मैम मैंने सोचा कि बेगम को जाके देता हूँ सरप्राइज। पता है बाबा जी के साथ तीन उनके साथी हैं, साबी बाबा जी आपने लेके चलते। दरवाजा खोलना, एक मेहमान आया मेरा, उसको तो अंदर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिंडी बिंडी एनर्जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफर सज्जाद। आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं जी घर से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जो है मामा लोग मुझे ड्रॉप करेंगे सालिम इंटरचेंज के पास, उधर से बाबा जी लोग मुझे पिक करेंगे और फिर मैं इस्लामाबाद निकल जाऊंगा। एक दफा यहाँ से भुलवाल पहुंचते हैं, भुलवाल जाके आपसे मुलाकात करते हैं। मैं नाश्ता लेके आया था, मुझे पता था आपके भाई को जो है ना भूख दस्ती लग जानी है। नाश्ता नुश्ता करके फिर भाई रिजवान आ जाएंगे, फिर वो मुझे सालम ड्रॉप करके आएंगे। बच्चियों को मैंने ड्रॉप किया है, सुबह बारिश बड़ी ज्यादा हो रही थी और अब जो है वो देखे सूरज निकल आया है। मामा क्या बात नहीं है, सूरज ही माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मामा को सर्दियां जरा नहीं पसंद। मामा आपको सर्दियां क्यों नहीं पसंद? मुझे हाय हाय क्या मौसम मामा होता है, वो वही मौसम मुझे जहर लगता है। हाय हाय बलोच हाय। तो बस नाश्ता करता हूँ जी, नाश्ता करने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह सालम निकलते हैं। असल में जो एक्साइटमेंट है ना मेरी इस्लामाबाद जाने की, वो एक्साइटमेंट कुछ इस तरह की है कि बाबा जी ने मुझे कॉल की कि हमारी कोई मीटिंग आ गई है जी इस्लामाबाद में, आप आएंगे हमारे साथ? मैंने कहा जी सो बिस्मिल्लाह। मुझे क्या मेरे दिमाग में तो बेगम भी उधर है, मैम ने सोचा कि बेगम को जाके देता हूँ सरप्राइज। बहुत तेज हो रहा है। और एक छोटा सा मेरा अपना काम था, मैंने कहा चलो सोने पे सुहागा हो गया, बाबा जी लोगों को कंपनी दे दूंगा, साथ खुद भी चला जाऊंगा। तो उनको उधर ड्रॉप करने के बाद जाऊंगा, बेगम को मिलूंगा। बेगम को भी कख नहीं पता कि मैं किधर हूँ, किधर पाया जाता हूँ, किधर से जा रहा हूँ, किधर आ रहा हूँ। उनको जनाब को कॉल सुबह आई है किधर, मैं कह जी मैं नमाज पढ़ के सो गया हूँ, अभी तक मैं सो रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं उठूंगा नहा धो के। ओहो आपको तो पता है मैं नहा धो के उठ के हूँ, मतलब ये उसको यही बताऊंगा कि नहा धो के उठ के मैं डेरे पे जा रहा हूँ। आप हंस क्यों नहीं? तो भारत यहाँ से बस बाबा जी लोगों आने वाले हैं, तकरीबन टाइम हो गया 10 का आने वाले हैं, तो फिर उनको सालम से उनके साथ हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वहां से फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। ठीक है जी, हम लोग जी निकल रहे हैं जी, सालम जा रहे हैं, भाई रिजवान मेरे साथ आ गए हैं, भाई रिजवान मेरे ड्रॉप करने जा रहे हैं, मामा लोग भी सारे साथ हैं, बस वहाँ पहुँचते हैं तो आपसे मुलाकात करते हैं। सफर भी शुरू कर दिया हमने जी, इस्लामाबाद जाके जो है रास्ते में जो है ना आपसे डिस्कस करते हैं कि किधर जा रहे हैं, क्या सीन है, क्या प्लान है। चेक कर रहे हैं जो मौसम की सूरत हाल बन गई, फुल धुंध, सर्दी सर्दी जो है वो फुल बन चुकी है जी। चक्री हम लोग पहुंच चुके हैं, बाबा जी साथ हैं, बाबा जी के साथ तीन उनके साथी हैं, साबी बाबा जी आपने लेके चलते हैं। तो तीन साबी भी हैं जी, तो हम लोग चक्री उतर चुके हैं, चार यार पूरे करने हैं, चार यार जी। बाबा जी कह रहे पूरे चार यार साथ हैं, तो चक्री हम उतर गए हैं। बस तकरीबन 40-45 मिनट में इंशाल्लाह हम लोग इमाम बारगाह पहुंच जाएंगे जिधर मीटिंग वगैरह है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। बाबा जी लोगों को उतार दिया जी बारगाह में, बाबा जी लोग उतर गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉल करूँ और बेगम को बोलूँ कि मैं आ रहा हूँ या कुछ इस तरह का सीन करूँ। ऊपर से बारिश भी हो रही है रास्ते का भी, आपको पता है रास्ते में कोई व्लॉग इसलिए नहीं बन रहा, ना स्टे हुआ और ना ही रास्ते में इतनी मतलब बारिश और इतनी धुंध थी कि मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं बारगाह आया हूँ, बाबा जी लोगों को उतारा है, अब यहाँ से जाना है ससुराल। ससुराल मेरा जो बिल्कुल जो है ना बैक साइड दिस साइड। ठीक है जी, बस यहाँ निकलते हैं तो रास्ते में ना कॉल करते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं कुछ भी, वो व्लॉग की एंडिंग करी थी। अच्छा, आप कौन सा व्लॉग बना रहे हो? मैं तो बस अभी जागा हूँ। मैं आज अ डे इन माय लाइफ इन पिंडी शूट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। तो कब वापसी है? आप कहाँ पहुँचे हैं? मैं तो आ ही नहीं रहा, कब वापसी है? मैं संडे को आऊंगी, लेकिन आपने कहा तो था कि आपने आज लाना है। यार आने का प्लान था लेकिन वो अभी तक आए नहीं ना, उन्होंने कहा बताएंगे। खाना? हाँ जी खाना खा लिए। आपने? मैंने खा लिया, मामा ने आज मेरे फेवरेट बनाए हैं कीमा मटर। अस्तगफार। छरे पकाए हुए हैं? हाँ छरे पकाए हुए, मुझे तो छरे बहुत पसंद है, आपको नहीं पसंद? ठीक हो गया, ठीक हो। चलो ठीक है फिर, मैं जरा डेरे पे जा रहा हूँ, मैं करता हूँ कॉल। अच्छा वापस आके फिर बात कराइएगा, मैं वो आपको ब्लॉग की दो तीन चीज़ बतानी है। ओके कॉल हो गई है बंद। जनाब को कख नहीं पता कि जनाब पिंडी के अंदर इस टाइम आ चुके हैं, तो बस जा रहे हैं अब उधर घर, उधर नीचे जाके उसको कॉल करते हैं जनाब को कि जनाब को कॉल करते हैं कि हम लोग तो आपके घर के बाहर खड़े हैं, डेरा हमारा यही है, देखते हैं फिर क्या होता है। सुन चेक करें, फुल बादल 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 खान है, वो सामने घर है। लेट्स गो। कॉल दोबारा बेगम को मिला दिए। ठीक है जी, स्पीकर पे लगा देते हैं। घर पहुंच रहे हैं। हाँ जी, सामने। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा यार, दरवाजा खोलना, एक मेहमान आया मेरा, उसको तो अंदर बुला लेना। कौन सा मेहमान आया है? दरवाजा तो खोलो। अच्छा एक मिनट। हेलो 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 हेलो, जनाब खुद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये क्या बात है? अच्छा लास्ट ईयर भी ऑन द सेम डे आपने यही सरप्राइज दिया था। देख लो, मैं सरप्राइज देने के लिए तो मैं हूं। वेल दैट्स अ वेरी ग्रेट सरप्राइज, है ना? अब भी नहीं कहना कि मेरी धीम है, अच्छा नहीं है वेन्यू पे। क्या पका हुआ? आपके फेवरेट मटर छरे? मतलब मैं बाहर सिखाऊं हमेशा की तरह? हमेशा की तरह, आपको आदत है बाहर सिखाने की। चलते हैं अभी खाने। One hour later. मादी साहब मेरे साथ आ चुके हैं जी व्लॉग के अंदर जी, और सरप्राइज तो दिया है, तो बाबा जी जो है कुछ चीजें भूल गए अपनी, वो उनको देने जाना है जी। शुक्रिया बारगाह पास ही है। और ये मजे की बात है कि मैं भी ऑफिस से गा रही हूँ। हाँ डबल अच्छी बात है। तो आज एक सरप्राइज भी लेने का खुद का प्लान है, इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह कोई उम्मीद है? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उम्मीद है, दुनिया कायम है, हम भी कायम है, साड़ी उम्मीद है, खराब हो हमारा प्रोग्राम बढ़ जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस उम्मीद पे हम बरकरार हैं। लेट्स सी क्या बनता है इंशाल्लाह। वाह माशाल्लाह, देखेंगे अल्लाह पाक लगा, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। आपको मैंने कहा आप गाड़ी चलाएं, मैं जरा साथ साथ व्यू कैप्चर कर लूं। बड़ा मजे का मौसम बन चुका है, पिंडी है बहुत, मौसम के लिहाज से पिठवार में कैसे बोलते हैं पिंडी है ना जी। अच्छा जी, पिंडी है ना। एक तो राजा जी तुम सारे नाई बना देते हैं। चेक करें, बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह। ग्लासेस रह गई थी, वो ग्लासेस उनको वापस नहीं है, ये शीशा नहीं उतरता मुझे, इसलिए यहाँ बैठने से भूल जाना पता, ये ना खुले मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। बहरहाल बस आप घर जा रहे हैं वापस, तो फिर इंशाल्लाह एक काम के लिए, एक टास्क के लिए निकले, आपको भी साथ लेके चलते हैं। Later that same evening. तो मैं घर पहुंच आया था, कोई तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा है जी। बाबा जी लोगों को इमाम बरगाह छोड़ दिया है, अब हम लोग जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाफर आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने सरप्राइज सारा प्लान किया, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे बता देते, कुछ तो आइडिया मामा को देते, खाना तो बना लेते हम लोग। आपको पता है मैं इस्लामाबाद लाहौर गया हूँ, तो खाना घर से निकलता मेरा, मुझे आप किधर जा रहे हो?
सर अब जारी सी बात है, आप बता क्या है, नहीं है सरप्राइज दिए तो खाना तो कुछ करना है ना। आए तो बस इस मेरी तो सुन ले, मैं आपको बताई थी के खाने का, आप कह रहे थे ना कि हमारे नेबर्स पहले ये कहते हैं कि जब भी जाफर आता है ना तो मौजें ही होती हैं लोगों की। अब मेरी ये भी नहीं है मैं यूं करूं नहीं वैसे न्यू लुक प्यारी लगी चलो इस व्लॉग का यही करते हैं, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जिंदगी भर जाफर सजाद को करते हैं टिंग टॉन्ग, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।